जन्मदिन की शुभकामनाएं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट अब बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मांग वाली अभिनेत्री हैं। आलिया ने अलग अलग भूमिकाओं में विशेष भूमिका निभाई है, जिसने अपने छात्रवृत्ति कॉलेज छात्र स्टूडेंट ऑफ द ईयर से उदता पंजाब में एक बिहारी प्रवासी के साथ खेलने के लिए शुरुआत की थी अपने 25वें जन्मदिन पर। आइए अब तक उसके जीवन और करियर पर नजर डालें। आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री सोनी रिजदान ने किया था। वह अभिनेता पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की आधा बहन हैं और निर्माता मुकेश भट्ट की भातजी। अभिनेता और इमरान हाशमी और निर्देशक मोहित सूरी अपने चचेरे भाई हैं। आलिया हमेशा एक बॉलीवुड स्टार बनना चाहती थी, क्योंकि उसने कॉफी के साथ करण को स्वीकार किया था। 6 पर उसने एक कैमियो किया, क्योंकि उसने 1999 में फिल्म संघर्ष में प्रीति जिंटा के छोटे संस्करण का किरदार निभाया था। उसकी बहन पूजा के विपरीत आलिया के लिए महेश भट्ट फिल्म के रूप में कोई रेडीमेड लॉन्च पैड नहीं था। इसके बजाय उन्होंने करण जौहर की 2012 की हिट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ साथ बॉलीवुड के राजकुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की अगुवाई वाली अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। आलिया को फिर वीरा के रूप में रखा गया। एक अमीर लड़की का अपहरण कर लिया गया और सड़क यात्रा पर ले जाया गया, जो इटियाजाली के राजमार्ग में आत्मखोज की यात्रा के लिए निकला। फरवरी 2014 में रिलीज की गई फिल्मों की समीक्षा के लिए रिलीज हुई और आलिया के प्रदर्शन को प्रशंसा के लिए चुना गया। आलिया ने भी 2015 में एक पार्श्व गायक के रूप में एक समानांतर करियर शुरू करना शुरू किया। उन्होंने राजमार्ग में गीत सोहा साहा के साथ एक गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। संगीतकार आर रहमान अपने गायन से बहुत प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने संस्थान में मुखर प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए। उसी दिन राजमार्ग को जारी किया गया। आलिया की अगली फिल्म दो सटेट्स का पहला दृश्य ट्विटर पर जारी किया गया था। करण जौहर द्वारा निर्मित फिल्म चेतन भगत द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है। आलिया राजमार्ग में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। आलिया को अगले हंटी शर्मा की दुल्हनिया में वरुण धवन के सामने दिखाया गया, जहां उन्होंने अम्बाला से एक दुल्हन की भूमिका निभाई जो दिल्ली में जाने का फैसला करती थी, जो खुद को एक महंगी दुल्हन डिजाइनर लहंगा खरीदने के लिए नकदी की व्यवस्था करने का फैसला करती थी। आलिया ने फिल्म में मुख्य तेनू संजावन की का अनप्लग्ड संस्करण गाया। 2015 में आलिया विकास बहल के शायद अदर में सह अभिवादन शाहिद कपूर में प्रदर्शित हुए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2016 में आलिया ने शकुंत बत्रा के कपूर एंड सन्स सह अभिनीत सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उदता पंजाब जैसी फिल्में दिखाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वह भी दिल है मुश्किल में एक कैमिया था। आलिया ने शाहरुख खान की प्रिया जिंदगी के साथ वर्ष लपेट कर दिया, जिसमें उन्होंने एक बुबली सिनेमेटोग्राफर किरा आलमिया ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बद्रीनाथ की दुल्हनिया की अगली कड़ी के साथ 2017 की शुरुआत की, जिसमें वरुण धवन भी शामिल थे। आलिया भट्ट की फिल्मों की एक दिलचस्प रेखा है मेघना गुलजार की रायजी, जोया अख्तर की गली बॉय, रणवीर सिंह और ब्रह्मस्त्र सह अभिनीत रणबीर कपूर और करण जौहर द्वारा निर्मित। यहां आलिया को एक बहुत ही खुश जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं।